Welcome back to my channel. I am Tanvi, all star friends. आज मैं आपके लेकर आई फिर से एक धमाकेदार सा वीडियो, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ जायंट चिप्स। फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल लेस का पैकेट होता है वो होता है इतना, और हम बनाने वाले हैं इतना बड़ा जायंट लेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं, और फ्रेंड्स मैं जायंट चीज पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं चिप्स होता है सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले जायंट चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटोस। फ्रेंड्स, हमारे बॉइल्ड पोटैटोस आ चुके हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक खाली कंटेनर, ताकि हम लोग अपने पील के आलू उसमें रख पाएँ, और हमें चाहिए एक नाइफ और एक कंटेनर जिसमें हम लोग अपना पील किया हुआ कचरा उसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक कंटेनर और एक नाइफ जिसे हम लोग पील करेंगे, तो चलिए पील करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे इतने सारे पोटैटोस हो चुके हैं पील। अभी मेरे 3 और बचे हैं, ये वाला भी हाफ हो ही चुका है। तो अब हम लोग इन तीनों को जल्दी से पील करते हैं और फिर बनाएंगे अपना बाहुबली चिप्स। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट पोटैटो बचा है और बहुत टाइम हो गया इन्हें छीलते छीलते। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है हमारा कचरा, तो इसे साइड में रख देते हैं, और एक बॉइल्ड पोटैटोस को पहले हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग को इन सारे पोटैटोस को ग्रेट करना है, तो चलिए अब ग्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये ग्रेटिंग में बहुत मजे आते हैं, पर पीलिंग में बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी जल्दी भी हो रहा है। और फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं है चिप्स हमारा जायंट बन भी पाएगा। जायंट बन भी गया तो टूट फूट ना जाए। फ्रेंड्स, ये है हमारा लास्ट पोटैटो, इसको भी अब हम लोग ग्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे सारे पोटैटोस ग्रेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें चिली का पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, चिली को डालने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे सॉल्ट, इसका हम लोग हाफ ले लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि ये स्टिकी है बहुत। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा ऑयल हैंड्स में लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब लोग को चाहिए पॉलिथिन, ताकि हम लोग उस पर अपना चिप्स बना पाए। अब हम लोग इसे टेबल पर स्प्रेड कर देंगे, और फिर इस एरिया में ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे, ताकि वो स्टिक ना हो। ओए, ऐसा मैं पेंटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट और करना है। फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इतना पार्ट ले लेते हैं अपने जायंट सा चिप बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा जायंट बनेगा। उसके बाद हम लोग इसे कुछ इस तरीके से सर्कल की शेप में सेट कर देंगे, और फिर इसे कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर इस पॉलीथिन को रैप कर इसे बेल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे बेलन की मदद से रोल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चिप्स को बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। वाव! फ्रेंड्स, ये चिप्स तो एक चिप्स के सामने भी इतना छोटा लग रहा है, तो हमारा जायंट चिप्स कितना ज़्यादा बड़ा लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा एक चिप्स रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जायंट है, और इसको अभी हम लोग को ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से बहुत सारे चिप्स रेडी करूँगी, तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, बच्चे वेट कर रहे हैं चिप्स का, पर अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अभी चिप्स आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, अभी ये ड्राई होगा ना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने सारे चिप्स को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमारे चिप्स। फ्रेंड्स, जब तक ये ड्राई हो रहे हैं, तब तक हम लोग
अपना जाइंट सा लेस का पैकेट बना लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक लेस की लेबल और एक फेविक्विक टेप और फ्रेंड्स यहाँ पर है रैपिंग शीट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने रैपर को बनाना। और फ्रेंड्स हमें एक सीजर की भी जरूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स जो लेस के रैपर में जो ट्रायंगल ट्रायंगल से ओपन जिगजैग होते हैं ऊपर की तरफ, वो पहले हम लोग कट कर लेंगे। आप देख सकते हो इसका जिगजैग होता है वो गया है रेडी। अब हम लोग को इसको साइड साइड से ज्वाइन कर देना है। फ्रेंड्स अब मैं इस पूरे को चेक कर देती हूँ। तो जब तक हम लोग इसकी लेबल को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मैंने इसे थोड़ा सा कट किया है तो इसका लेमिनेशन निकल जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इसे ऐसे ही स्टिक कर दूँ, ऐसे भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स फाइनली हमारा जाइंट सा लेस का पैकेट हो चुका है। और फ्रेंड्स इसमें स्पेस भी काफी है। आप देख सकते हो कोई लेस इतना बड़ा होता भी है फिर नहीं, कितना ज्यादा जाइंट पैकेट है। पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा पतला हड्डी सा रैपर है ये, पर जब इसमें चिप्स हम लोग फिल करेंगे तो ये मोटा मोटा सा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको मिलती हूँ कल या फिर परसों, क्योंकि अभी टाइम लगेगा इन्हें ड्राई होने में। फ्रेंड्स जो हमारे जाइंट से चिप्स से वो चुके हैं ड्राई, तो अब मैं जा रही हूँ हलवाई पर इन्हें फ्राई करवाने, क्योंकि मेरे घर पर जाइंट कढ़ाई है नहीं। और अगर मैं अपनी मिनिएचर कढ़ाई में फ्राई कर भी लूंगी तो वो मजा नहीं आएगा। तो चलिए जाइंट कढ़ाई भी चलते हैं फ्राई करवाने, आ जाओ। ये मेरे चिप्स आप इन्हें फ्राई कर दोगे? फ्रेंड्स अंकल ने कह दिया अंकल इन्हें फ्राई कर देंगे, तो अंकल को दे देते हैं फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे जाइंट चिप्स है वो फ्राई हो चुके हैं। ये हमारा नॉर्मल चिप्स और ये है हमारा जाइंट सा चिप्स। फ्रेंड्स अब मैं अपने चिप्स की पिटारी से निकाल रही हूँ अपना जाइंट चिप्स। वो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका साइज कितना ज्यादा जाइंट है। फ्रेंड्स अब मैं अपने नॉर्मल चिप्स पैकेट को ओपन करके उसके चिप्स का साइज देखती हूँ। फ्रेंड्स ये है हमारा जाइंट चिप्स और ये है हमारा मिनिएचर चिप्स। आप देख सकते हो ये मेरे सिर्फ और सिर्फ आइस के बराबर है और ये है पूरे मेरे फेस के बराबर, उससे भी जाइंट है। अब अपने जाइंट चिप्स को टेस्ट करते हैं। ये बहुत क्रंची और बहुत यम्मी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं अपने थोड़े से फ्रेंड्स को जाइंट सा चिप्स टेस्ट करवाऊंगी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, पर और लोगों को कैसा लगा? फ्रेंड्स अब मैं टेस्ट करवाऊंगी अपने इस फ्रेंड को। अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं इसको नॉर्मली टेस्ट करवाऊंगी। यू वांट टेस्ट करो। छोटा वाला अच्छा है फिर बड़ा वाला? बड़ा वाला तो अच्छा है, दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं टेस्ट करूंगी अपने सोसाइटी के माली अंकल को। कैसा है? अच्छा लगा। अच्छा है? बाजार के जो चिप्स आते हैं वो केमिकल के होते हैं, ये घर का बना हुआ अच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं दोबारा टेस्ट करूंगी अपने कुछ और फ्रेंड्स को। कैसा है? गुड। यम्मी। कैसा है? अच्छा, लेकिन मुझे बाजार वाला ज्यादा अच्छा लगता। फ्रेंड्स इसको बाजार वाला अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, किसी ने रिजेक्शन तो दिया ही, तो सबको अच्छा ही लगा था चिप्स। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। अच्छा है। अच्छा है? फ्रेंड्स इसको तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा है? अच्छा है, पर बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इसको बाहर का अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा और दे दो। फ्रेंड्स आपको पता है मैं जाने वाली हूँ ताजमहल से पार्लियामेंट, वो भी स्केट से, जो कि है 225 to 250 किलोमीटर।
तो मैं जाने वाली हूँ लाइव, वो भी यूट्यूब पर। मार्च के मंथ में अभी डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है, तो आप मुझे लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं जाऊंगी वो भी स्केट से। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक को ज्वाइन करिए अभी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये जाइंट सा चिप्स अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल चांदवल तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगला चैलेंज या फिर कोई जाइंट चीज चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।